नवरात्रि के पहले दिन में मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री की उत्पत्ति और महत्ता के बारे में एक पौराणिक और धार्मिक कथा इस प्रकार है। प्रजापति दक्ष ने एक बार यज्ञ आयोजित किया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। दक्ष की पुत्री सती, जो भगवान शिव की पत्नी थी, अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना किया। सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए जोर दिया और अंत में भगवान शिव ने उन्हें जाने दिया। जब सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि उनके पिता ने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था और उनके सम्मान में कोई व्यवस्था नहीं की थी। सती को अपने पति का अपमान बहुत दुःखक हुआ और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का समाचार मिला, तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया। उन्होंने सती के शरीर को लेकर तांडव करना शुरू कर दिया, जिससे सारी दुनिया कांप उठी। भगवान विष्णु ने भगवान शिव को शांत करने के लिए अपने चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिर गए और उन जगहों पर देवी सती के 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। मां शैलपुत्री का जन्म सती के पुनर्जन्म के रूप में हुआ था। उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री को शक्ति और धैर्य की देवी के रूप में माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन में मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्योंकि वे शक्ति और धैर्य का प्रतीक हैं। यह दो गुण हैं जो हमें जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक हैं। मां शैलपुत्री की पूजा करने से हमें शक्ति और धैर्य मिलता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन में मां शैलपुत्री की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। मां शैलपुत्री की पूजा करने से हमें अपने जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति मिलती है और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा करने से हमारे जीवन में निम्नलिखित लाभ होते हैं। हमें शक्ति और धैर्य मिलता है। हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। हम अपने जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने में सफल होते हैं। हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा मां शैलपुत्री की पूजा करने से हमें निम्नलिखित आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। हमें अपने भीतर की शक्ति का बोध होता है। हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा करने का सही तरीका निम्नलिखित है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। फिर एक स्वच्छ और पवित्र स्थान पर मां शैलपुत्री की एक मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मूर्ति या तस्वीर को फूलों, अगरबत्ती और दीपक से सजाएं। फिर मां शैलपुत्री को फल, मिठाई और नारियल चढ़ाएं। उसके बाद मां शैलपुत्री की आरती गाएं और उनसे अपनी प्रार्थना करें। अंत में मां शैलपुत्री को प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद लें। मां शैलपुत्री की पूजा करने का कोई विशेष समय नहीं है, लेकिन उन्हें पूरे नवरात्रि के दौरान पूजा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन में मां शैलपुत्री की पूजा करने का विशेष महत्व है। मां शैलपुत्री की कृपा से हमारे जीवन में सभी बाधाएं दूर होती हैं और हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। मां शैलपुत्री की कृपा से हम अपने जीवन का सही अर्थ समझते हैं और अपने जीवन को एक सही तरीके से जीते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा का एक और महत्व यह है कि वे हमें अपने जीवन में अनुशासन और संयम रखना सिखाती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि हम अपने जीवन में सफल होने के लिए अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना सीखें। कथा। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था धर्मराज। वह बहुत ही धर्मात्मा राजा थे और अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा धर्मराज को स्वप्न में मां शैलपुत्री आईं और उनसे कहा कि उनकी प्रजा पर एक बड़ा संकट आने वाला है। मां शैलपुत्री ने राजा धर्मराज को एक मंत्र दिया और कहा कि वे इस मंत्र का नवरात्रि के पहले दिन पूरे विश्वास के साथ जप करें। राजा धर्मराज ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि मां शैलपुत्री ने उनसे कहा था। उन्होंने नवरात्रि के पहले दिन पूरे विश्वास के साथ मां शैलपुत्री के मंत्र का जप किया।
मां शैलपुत्री की कृपा से राजा धर्मराज की प्रजा पर आने वाला संकट दूर हो गया और राजा धर्मराज की प्रजा सुख समृद्धि में रहने लगी। तब से नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं और मनुष्य को अपने जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त होती हैं। निष्कर्ष, मां शैलपुत्री शक्ति और धैर्य की देवी हैं। वे हमें अपने जीवन में अनुशासन और संयम रखना सिखाती हैं। वे हमें अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करना और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना सिखाती हैं। मां शैलपुत्री की कृपा से हम अपने जीवन में सभी सफलताएं प्राप्त करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें सभी को नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नवीनतम वीडियो का आनंद लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइक करें और अपने विचार साझा करें। आपकी राय महत्वपूर्ण है। मेरे कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ साझा करें और साथ में एक साझा सफर करें।